Hi guys, good morning. Finally. Hi guys, good morning. मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया. और आज मैं बड़ी ज्यादा खुश हूँ. इग्नोर, आज मैं बड़ी ज्यादा हैप्पी हूँ. मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला सूट बहुत दिनों बाद निकाल के पहना है. एंड जब मैंने ये सूट स्टिच करवाया था ना, तब मैंने इस तरह की फिटिंग इमेजिन की थी, लेकिन तब तक मैं फूल चुकी थी और मुझे इस तरह की फिटिंग कभी मिली नहीं. और आज ये सूट मुझे इतना ज़्यादा लूज है, तो मैं इतनी खुश, इतनी हैप्पी हो गई ना. तो मैंने सोचा कि ये बात तो आप लोगों से शेयर करना बनता है, तो इसीलिए मैंने शेयर कर दी ये बात. वैसे मैं आज सुबह बहुत देर से उठी हुई हूँ. मैं अब ये सेकंड नींद लेके दोबारा से उठी हूँ. मैंने सुबह उठ के क्या खुराफात की है मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय, उसके बाद रेडी होंगे, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि आज है संडे, हमें बाहर जाना है, एक थोड़ा छोटा सा काम है. उसके बाद आज मुझे एक अपना बैग लेना है छोटा सा, क्योंकि मेरा डायसन का जो एयर रैप है, ड्रायर है और जो आयन है वो एक साथ रखने के लिए. तो मैं अभी अपनी चाय पीती हूँ बिना चक्कर वाली, उसके बाद मिलते. बाहर जाने के लिए रेडी होने से पहले आज मैं थोड़ा, मेरे पास टाइम है, तो मैं संडे भी है तो इससे मैं थोड़ा हेयर पैम्परिंग करूंगी और मैं लगाऊंगी हेयर लेप. मैं लगाऊंगी ये है मदर स्पर्श का दशमूल हेयर लेप इन द पेस्ट फॉर्म. होम मेड इंग्रेडिएंट्स से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हमेशा मुझे थोड़े ज्यादा फैसिनेट करते हैं, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं. एंड वी ऑल, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, यू नो, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, हेयर डल हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं. तो उन सब का सोल्यूशन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये दशमूल हेयर लेप, विच इज अ पेस्ट. एंड ऑल्सो यू नो, हमारे किचन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जिन्हें हम सही तरीके से अगर लगाएं तो हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं, जैसे कि मुलेठी, दशमूल, मेथी सीड्स, कड़ी पत्ता एंड मच मोर. इस दशमूल हेयर पेस्ट में सभी किचन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मेथी सीड्स है, शिकाकाई है, कड़ी पत्ता है, मुलेठी है, दशमूल है, साथ ही साथ त्रिफला है. सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से सुखाया जाता है और फिर ब्लेंड किया जाता है आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, तुलसी ऑयल एंड टी ट्री ऑयल. सो ये सभी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है ये आयुर्वेदिक दशमूल हेयर लेप पेस्ट. ये देखिए, अभी मैं आपको इसका सबसे पहले टेक्सचर दिखाती हूँ. ये देखिए, आप एक्चुअली जो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनको फील कर सकते हैं. इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस इसे निकालना है अपने हाथ पे और फिर इसे रूट से टिप्स तक अप्लाई करते जाना है. यू नो, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, मतलब जब आप इसे यूज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप सारे जो इसमें हर्ब्स हैं उनको आप स्मेल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक और किचन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो कि हमारे हेयर फॉल को फाइट करते हैं. और जो ऑयल्स हैं, जैसे आलमंड ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, जो आपके स्कैल्प को अंदर से नरिशमेंट देते हैं, और जो तुलसी ऑयल है वो डैंड्रफ को ट्रीट करने के काम आता है. तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये हेयर लेप लगा लिया है. अब इसे 15 से 20 मिनट तक मैं रहने दूंगी. इसके ड्राई होने के बाद मैं शैम्पू और कंडीशनर करूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. तो कर लिया मैंने अपने हेयर वॉश इस शैम्पू से एंड इस कंडीशनर से. ये है इस किट का जब पुष्प हेयर क्लेंजर एंड हेयर कंडीशनर, मदर स्पर्श का एंटी हेयर फॉल किट, जिसमें है ये 30 हर्ब हेयर ऑयल, दशमूल हेयर लेप इन द पेस्ट फॉर्म, फिर है ये जब पुष्प हेयर क्लेंजर एंड जब पुष्प हेयर कंडीशनर. और ये सब के साथ ये फ्री डेनिम बैग भी मिलता है. एंड यू नो वॉट गाइज, www.motherspersh.com यानी कि मदरस्पर्श की वेबसाइट पे फ्लैट 50% सेल ऑन है, बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए क्योंकि आप ये सभी प्रोडक्ट्स खरीद सकती हैं फ्लैट 50% ऑफ पे. सो निकल गए हम लोग घर से. जनाब यहाँ बैठे हुए हैं, देखो ये है सुबह के क्रिकेट. ट्रैफिक भी था थोड़ा सा. अच्छा, तो आज जो मैंने भेजा वो आपने बिल्कुल नहीं चखा ना? पर आज का मैंने भी नहीं चखा वैसे, लेकिन आज जो हलवा मैंने बनाया था वो बहुत ही, मतलब उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी. तो सब बोल भी रहे थे कि हलवा बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा, ब्रेड पकौड़ा भी बहुत अच्छा था, बट हलवा
लोकल में दो दो बार खाया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो मैंने आज सुबह उठ के, मैं बहुत समय से चाह रही थी लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, सो मैंने आज सुबह उठ के जो है इनकी पूरी क्रिकेट टीम जो है उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता टाइप भेजा था। तो मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे और मैंने हलवा बनाया था, मैंने वो भेजा था। तो जो मैं आपको बोल रही थी ना, मैंने सुबह उठ के कुछ खुराफात की है, तो चलिए आप जाके वो देखिए। जब तक हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन और वहां क्या करेंगे वो तो आप शुएब के ब्लॉग में देख ही लेंगे। संडे और सुबह के बज रहे हैं 6:05। सो एज ऑलवेज आप तो जानते हैं कि शोएब क्रिकेट के लिए जा रहे हैं और ये yes, आप बोलेंगे मैं सुबह सुबह किचन में इतना ऐसे क्या कर रही हूँ। नॉर्मली मैं उठती हूँ, शोएब को चाय देती हूँ, उनको थोड़ा बहुत खाने के लिए देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। लेकिन आज जो है मैं वहाँ पे सबके लिए कुछ खाने के लिए भेजना चाह रही हूँ। मैं काफ़ी समय से भेजना चाह रही थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए आज मैंने सबके लिए ब्रेड पकौड़ा बना के भेजने का प्लान किया है। और मैंने सोचा है कि अगर मैं हलवा भी बना के भेज पाऊँ तो मैं भेजूँगी। उन लोगों की 9:30 के आसपास ब्रेक होती है, सो बस मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। रात को मैं आलू उबाल के सो गई थी, ब्रेड मैंने मंगवा ली है, शोएब की चाय बन रही है, यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, तो अभी जल्दी से पहले तड़का देते। सो मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं बॉइल्ड मैश्ड आलू में नमक अलग से पहले मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद तड़का देती हूँ, वरना मुझे लगता है वो अनइवन रह जाता है, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। अब ये तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने सबसे पहले डाला राई, उसके बाद कड़ी पत्ता, हरी मिर्च भी डाली, उसका मैं शॉट लेना भूल गई, सॉरी, हरी मिर्च भी डाली है। उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने सौते होने दिया है अच्छे से। ध्यान रखिएगा कि जले नहीं, इसीलिए हो सके तो मीडियम या लो फ्लेम पे ही उसको जो है स्टर करते रहिएगा, क्योंकि अगर इसमें जल गया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फ्लेवर आएगा। और अब मैंने पिसा हुआ लहसुन, गार्लिक, सिर्फ गार्लिक जो है मैंने क्रश कर लिया था वो डाला है, वो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि ब्रेड पकौड़ा में या वड़ा पाव में इस मिक्सचर में जब लहसुन ज़्यादा होता है तो वो फ्लेवर बहुत अमेजिंग लगता है। अब हम इसको तब तक अच्छे से सौते होने देंगे जब तक वो लहसुन की जो कच्ची महक है वो पूरी तरह से हट ना जाए। अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस, सबसे पहले हल्दी, ये मैंने डाली है 1.5 चम्मच। अगेन हल्दी की कच्ची स्मेल जाने तक मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा स्टर करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ धनिया। एक बार जब आपको लग रहा है कि सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसमें हम डाल देंगे ये मैश्ड पटेटो। अब आएगा चैलेंज, क्योंकि अब इस पटेटो को अच्छे से मिक्स करना बहुत बड़ा टास्क है। सो चलिए वो टास्क स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर तो हो गया रेडी, चलिए अब ऊपर के कवरिंग की यानी बेसन के घोल की तैयारी करते हैं। मैं जो टॉप कवरिंग है उसमें भी हरा धनिया डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने डाली थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार, अब डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी, जिसका शॉट लेना मैं भूल गई, सॉरी। और इसे काफ़ी अच्छे से विस्क कीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। शोएब क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे मैंने सूजी और आटा मिक्स करके रख दिया है, ये क्या हो रहा है, भूनने के लिए। इसका मैं हलवा बना के भेजूंगी और ये मैंने ऑयल गरम कर दिया है क्योंकि मेरा आलू का बैटर रेडी है। और यहाँ पे आपने देखा मैंने बेसन भी अभी के लिए इतना घोल लिया है। सो अभी जल्दी जल्दी मैं ब्रेड असेंबल करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा है मैं ब्रेड के बीच में एक चीज स्लाइस रखूंगी, ये लहसुन वाली जो चटनी है ये थोड़ी डालूंगी और फिर उसमें आलू का स्टफिंग डालूंगी और फिर उसको बेसन में डिप करूंगी और फिर उसको फ्राई करूंगी। मीनवाइल मेरी चाय रेडी की जाए। चलिए अब असेंबलिंग द ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले मैं 4 स्लाइसेस ले लिए, इस पे मैं रखूंगी चीज स्लाइसेस क्योंकि मैं चीज भी डाल रही हूँ। अगर आपको प्लेन बनाना है तो आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं। अब ये जो गार्लिक और लाल मिर्च की चटनी होती है ना जो हम वड़ा पाव में खाते हैं, ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा ये भी डाल देते हैं, इससे एडिड फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मैं एक लेयर ये डाल रही हूँ, इसके ऊपर मैं डालूंगी हमारे पटेटो का लेयर।
बस अब इसे हम स्लाइसेस से कवर कर देते हैं एंड डन। और इसे हम ट्राइंगल्स में काट लेंगे सेंटर से। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले सारे ब्रेड पकौड़ा असेंबल करके रख लेती हूँ, उसके बाद एक साथ फ्राई करती जाऊंगी, है ना? सही है। तो जो मेरे बिना चटनी वाले सिर्फ चीज वाले ब्रेड पकौड़ा थे वो फ्राई हो गए हैं, पूरा का पूरा लॉट, बस ही लास्ट 5 फ्राई हो रहे हैं। और धर्म दादा भी आ गए हैं क्योंकि वही लेके जाएंगे और पैकिंग में भी वो हेल्प करेंगे, तो अभी धर्म दादा पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे और मैं जो है चटनी वाले फ्राई करूँगी। ये रहा पहला लॉट ऑफ गर्मा गर्म क्रिस्पी चीज ब्रेड पकौड़ा रेडी। अब जो चटनी वाले हैं वो फ्राई करूंगी। थोड़ा बड़ा और काटना पड़ेगा ना, ये तो छोटा हो गया। हाँ, छः छः सही है, परफेक्ट है, एकदम सही है। ब्रेड पकौड़ा जब आप डिप करते हैं अपने बेसन के घोल में तो थोड़ा क्विक रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्रेड घुल गई तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। ऑल्सो जो बैटर है वो थोड़ा थिक रखना पड़ता है, जैसे अगर आप एक कप बेसन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाफ कप पानी जाता है। हैव अ लुक ऑन द लेयरिंग ऑफ माई ब्रेड पकौड़ा, लुक्स यम, है ना? ये देखिए, यहाँ तक मैंने कैमरा बिल्कुल सही पकड़ा हुआ था और यहाँ मेरा ध्यान ब्रेड पकौड़ा और तेल में चला गया और कैमरा हिल गया, सॉरी। सो जब तक वो ब्रेड पकौड़ा का ये वाला लॉट फ्राई होता है तब तक मैंने सोचा मैं अपना हलवा कम्प्लीटली रेडी कर लेती हूँ, तो मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है, सब कुछ हो गया। अभी बस इसको फाइनल जो कहते हैं ना, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और जैसे इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है और अब वक्त है इस ब्रेड पकौड़ा को पलटने का ताकि दोनों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। वैसे मैं कुक करते वक्त एक दो बार तो पलट ही देती हूँ ताकि इवनली दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। और ये दो जल गए, देखिए इतने सारे में सिर्फ दो जलना तो ठीक है ना, बाकी सब सही बन गए। हमने 48 बनाए हैं, तो 48 ब्रेड पकौड़ा बन गए हैं। वेरी गुड, आपने सब मिक्स कर दिया? क्या मिक्स? ब्रेड पकौड़ा नहीं, ये तीन अलग है, वो पहले का है। अच्छा, तो आपको याद है, चलो वेरी गुड। ये लास्ट सेट ऑफ ब्रेड पकौड़ा रेडी हो रहा है, पैक हो रहा है। यहाँ पे पूरा बैग पैक हो गया है, ये हमने केचप के पाउचेस रख दिए हैं, ये स्पून, ये प्लेट, ये टिश्यू पेपर्स, और इस वाले बैग में ये रखा है हलवे का डब्बा, ये कटोरियाँ और सर्विंग स्पून। चलो बाय बाय। यस, सो हो गई है रात और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं घर। थक गया शोएब। तो कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ खाने को नहीं मिला अभी, तो भी गई। हाँ, कुछ चिकन टिक्का कुछ खाना है, देखते हैं अभी घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं। हाँ, और मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी पूरी ब्रेड पकौड़ा की प्रिपरेशन देख के मजा आया हो, क्योंकि मुझे बनाने में सुबह बड़ा मजा आया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब घर से कुछ जाता है और सब लोग उसे खा के बड़ा इंजॉय करते हैं और शोएब घर आके बोलते हैं दिव्य सबने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत पसंद आया, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। सो आज हम बहुत घूमे, आज हम जियो वर्ल्ड ड्राइव है ना, हाँ वहाँ गए थे एंड बहुत मजा आया। थोड़ी थोड़ी दुबई मॉल की फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे वहां पे सबसे क्यूट चीज लगी कि उस मॉल में पेट्स भी अलाउड हैं, आप या तो उनको हार्नेस में लेके घूम सकते हो या आप उनके लिए एक प्रैम मिलता है। एंड आई थिंक क्योंकि हम जब एंटर किए तो एक लड़की हमारे सामने ही एंटर हो रही थी, तो उसका आधार कार्ड लिया एंड फोन नंबर लिया एंड
उनको पेट अलाउ किया, वो प्रैम दिया हुआ था, तो वो प्रैम में सारे पेट्स बैठे यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते भी हैं तो वो बड़ा क्यूट लग रहा था। सो एनीवेज अ लॉन्ग डे कम्स टू एन एंड एंड अभी हम जा रहे हैं घर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल बनी में